नवरात्र के आठवें दिन माँ दुर्गा के आठवें स्वरूप महागौरी की पूजा पूरे देश के साथ साथ भागलपुर में भी धूमधाम के साथ किया जा रहा है। भागलपुर जिले के सभी दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ अहले सुबह से ही देखी जा रही है। नवरात्र की महाअष्टमी तिथि के साथ ही शहर में पूजा का उत्साह चरम पर पहुँचने लगा है। विभिन्न पूजा पंडालों में बजने वाले माता के भजनों से शहर को गुंजायमान कर दिया है। वहीं पूजा को लेकर आचार्यों के द्वारा किए जाने वाले वैदिक मंत्रों के उच्चारण व धूप अगरबत्ती की खुशबू से माहौल भक्तिमय हो चुका है। महागौरी की पूजा अर्चना को लेकर शहर के पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। बच्चों से लेकर बड़ों तक माता के दर्शन कर आशीर्वाद लेने के लिए खासकर महिलाएं महाअष्टमी को माता के खोइचा भरने के लिए पूरी सामान लेकर पूजा पंडाल पहुंची थी। निवेदन किया जा रहा था महाअष्टमी तिथि को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं माता के दरबार पहुंचकर उनका खोइचा भरने का काम की। इस दौरान महिलाओं ने नए वस्त्र के साथ चूड़ी बिंदी सिंदूर सहित विभिन्न प्रकार के भोग प्रसाद अर्पित किए। भागलपुर के मालवाड़ी पाठशाला आदमपुर कचहरी चौक गढ़िया तिलका मांझी खंजरपुर कालीबाड़ी दुर्गाबाड़ी के अलावे सभी दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। हाँ, एक्चुअली 2020 में जब कोरोना का टाइम था तब हम लोग ने किया था एंड 2021 में भी किया था, बट 2020 में हम लोगों ने फोटो में पूजा किया था और उसके बाद फिर उतने धूमधाम से नहीं कर सके थे जितना कि हर साल हम लोग करते हैं। बट दो साल के गैपिंग के बाद पूजा होने की वजह से इस साल हम लोग उसको बहुत ज़्यादा हर्ष और उल्लास और बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट के साथ हम लोग उसको रहे। इनफैक्ट जो पिछले बार हम लोगों ने कल्चरल प्रोग्राम जो हर साल हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं वो इस साल सप्तमी अष्टमी और नवमी तीनों दिन हम लोगों ने कल्चरल प्रोग्राम की भी व्यवस्था यहाँ पे रखी हुई है। माँ दुर्गा के आठवें स्वरूप महाअष्टमी के मौके पर माँ के भक्तों की भीड़ भागलपुर में मंदिरों और पूजा पंडालों में देखी जा रही है। लगातार लोग पूजा अर्चना कर माँ से सुख समृद्धि की मांग कर रहे हैं। पूजा पाठ में आम हो या फिर खास सभी लोग माँ के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं और माँ से मन्नतें मांग रहे हैं। कचहरी चौक स्थित पंडाल में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने भी पूजा अर्चना की और माँ से देश में सुख शांति और सौहार्द को लेकर प्रार्थना की। मौके पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि माँ देश को एक रखने वाले लोगों को आशीर्वाद दे, वहीं देश तोड़ने वाले लोगों को माँ आशीर्वाद ना दे। देखिए, हम तो पूरे भागलपुर वासी सभी भाई बहनों को, पूरे बिहार वासी भाई बहनों को, पूरे देशवासी भाई बहनों को पहले तो अष्टमी की, क्योंकि माँ दुर्गा का इससे पावरफुल जागरण का दिन है, सबको हम दशहरा की, अष्टमी की सबको शुभकामना देते हैं। और हम माँ से प्रार्थना यही करते हैं कि देश की एकता अखंडता बना रहे और सभी भाई बहनों का जो भी उनकी मनोकामना हो वो पूर्ण करें। और आप लोग को भी, सभी मीडिया भाई को भी इस अष्टमी के अवसर पर अष्टमी की माँ दुर्गा की हार्दिक शुभकामना देते हैं। किस तरह से बहुत अच्छा है। देखिए माँ का पूजा है, इसमें व्यवस्था नहीं देखी जाती है, दिल की श्रद्धा देखी जाती है। माँ का आशीर्वाद सबको मिल जाए, इससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है देशवासियों के लिए। हमें तो माँ दुर्गा को ही प्रार्थना किया कि देश की एकता अखंडता, देश को टूटने से बचाइए और जो लोग भी देश को तोड़ना करें, हिंदू मुसलमान की राजनीति करें, उनको सजा देने का काम। 2024 के लिए माँ से प्रार्थना हुई? नहीं, मैं माँ प्रार्थना तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो देश को जोड़ के चले, एकजुट रखे, विकास करे, सबका भाईचारा बना रहे, वैसे लोगों को आशीर्वाद दे और जो देश को तोड़ने का काम करे उसको आशीर्वाद न दे और उनको गद्दी से उखाड़ फेंके। नवरात्र के आठवें दिन माँ दुर्गा के आठवें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भागलपुर के विभिन्न दुर्गा मंदिरों और पूजा पंडालों में देखी जा रही है। माँ का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। शहर में मेले की रौनक दिखने लगी है। श्रद्धालु देवी मंदिरों में दर्शन को उमड़ने लगे हैं। भागलपुर शहरी क्षेत्र में लगभग 17 प्रतिमाएं वेदी पर स्थापित हो गई हैं। शहर में मंदरोजा, प्रबत्ती, साहेबगंज, कंपनी बाग, लहरी टोला, हड़ियापट्टी, उर्दू बाजार, खलीपा बाग, लाजपत पार्क, खंजरपुर, आदमपुर, मालवाड़ी पाठशाला, बरारी सहित अन्य जगहों पर दुर्गा मंदिर और पूजा पंडालों में भागलपुर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों के श्रद्धालु भारी संख्या में माँ के दर्शन करने पहुँच रहे हैं।
भागलपुर में लगातार पुलिस के पहले पब्लिक ही कानून अपने हाथ में लेकर अपराधियों को सजा दे रही है। भागलपुर में हो रहे लगातार हत्या के बाद अब पब्लिक ऑन द स्पॉट कार्रवाई कर रही है। अपराधी पकड़े जाने पर उनकी जमकर धुनाई कर दी जा रही है, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पब्लिक कानून अपने हाथ में ले रही है। पिछले दिनों कपड़ा व्यवसायी हत्या मामले में मुख्य आरोपी को पकड़कर स्थानीय लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी थी। बाद में पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की थी। अब ताजा मामला हबीबपुर थाना क्षेत्र का है, जहां बेखौफ अपराधी दिन दहाड़े घर में घुसकर घर के सदस्यों पर जानलेवा हमला शुरू कर दिए थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने हथियार के साथ अपराधी को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। हालांकि घटना के बाबत बताया जा रहा है कि पुलिस को आवेदन मिलने के बावजूद भी पुलिस कार्रवाई करने से डर रही है। लगातार हो रही हत्या के बावजूद पुलिस की यह रवैया पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। कहते हैं कुछ कर गुजरने की जब मन में चाहत हो तो परिस्थितियां कैसी भी हो लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। इसे साबित कर दिखाया है भागलपुर के लाल राजा राम ने। दरअसल जिले के कहलगांव अनुमंडल के सलेमपुर सैनी निवासी अभय राम के 17 वर्षीय बेटे राजा राम ने फिर से कमाल किया है। दरअसल बैटरी से स्कूटी बनाने वाले राजा राम ने अब कचरा से बिजली उत्पन्न कर दिया है। उसने लोहे का एक डाला बनाया है जिसमें कुछ तकनीकी सामानों को जोड़कर बैटरी और बल्ब से कनेक्ट किया। वो डाला में कचरा डालकर उसमें आग लगा देता है जिससे बैटरी चार्ज होती है और बल्ब जल जाता है। उसने इस विधि को कैमरे पर दिखाया। राजा राम के पिता मजदूरी करते हैं, उससे ही पैसे बचाकर उस पर खर्च करते हैं। कमजोर आर्थिक स्थिति और संसाधनों की कमी से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। छोटे से कमरे में वह हर रोज नए नए प्रयोग कर रहा है। राजा राम ने बताया कि उसने पहले माइंस बनाया था, फिर बैटरी से स्कूटी बनाया और अब कचरा से बिजली उत्पन्न किया है। प्लास्टिक जो ऐसे नॉर्मली इसको हम सब बिक देते हैं, कूड़ेदान में बिक देते हैं या रोड पे बिक देते हैं, सड़क पे बिक देते हैं, कहीं भी बिक देते हैं, और उससे हमारे पृथ्वी के लिए प्रकृति के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। तो उसी को देखते हुए मैंने मन में ख्याल आया, आइडिया आया कि प्लास्टिक से कुछ प्रयोग किया जाए और प्रयोग करने के साथ साथ इससे कुछ बेहतरीन बनाया जाए। तो उसी को लेकर आए हुए हैं जिसमें कि कुछ इससे मतलब प्रयोग कर रहे थे, तो करते करते अचानक से प्लास्टिक से बिजली उत्पन्न हो गया। तो बिजली उत्पन्न होने के साथ साथ जब हम देखे कि प्लास्टिक से बिजली जब उत्पन्न हो सकता है तो इसको कहना बड़े स्तर पे किया जाए, और बड़े स्तर पे करने के साथ साथ अगर इसको भारत सरकार अगर बिहार सरकार अगर ध्यान दे तो इसको और भी बड़े स्तर पे बना कर वहाँ पे जैसे कि जैसे कोयले से भी बिजली उत्पन्न होता है। कोयले क्या होगा कि आज दिन मतलब कि 100 साल या 200 साल ऐसा होगा कि आज दिन मतलब खत्म हो जाएगा कोयले। अगर खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, और प्लास्टिक तो खत्म नहीं होगा क्योंकि प्लास्टिक से मात्रा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो हमने सोचा कि प्लास्टिक से क्यों ना बिजली बनाया जाए, और उसको मतलब करने में काफी सारे कठिनाई है, लेकिन कठिनाई को सामना करते हुए अभी और प्रयोग करके पूरा कंप्लीट किया है। उसने कहा कचरा से पर्यावरण पर असर पड़ता है, अगर उस कचरे से बिजली बना दे तो उपयोगी होगा। संसाधन की कमी है, सरकार की तरफ से उसे मदद मिले तो इसमें बेहतर काम कर सकता है, उसे विकसित कर प्लांट का रूप दे सकता है। राजा राम आगे और भी कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। राजा राम के परिवार में फिलहाल माँ पापा और 2 भाई हैं। भाई भी मजदूरी करता है। वहीं राजा राम के प्रयास को देखते हुए भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT भागलपुर के मेकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर गौरव कुमार ने लड़के की मेहनत को सराहा है। उसने कहा कि 3 अन्य तरीके से बिजली उत्पन्न किया जाता है। सी बैग विधि से कचरे से बिजली बनाया जाता है, इसमें प्रदूषण का भी खतरा रहता है, लेकिन वो प्रदूषण रोकने पर भी काम कर ले तो कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि IIIT भागलपुर में इक्यूबेशन सेंटर है, यहाँ स्टार्टअप को हम लोग बढ़ावा देते हैं, अगर लड़का चाहे तो अप्लाई कर सकता है। हाँ, मुझे भी पता चला तो मैंने देखा तो 2-3 तरीके होते हैं वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के। जैसे आप वेस्ट को आप बर्न कीजिए एंड स्टीम जनरेट कीजिए, या फिर लोग उसको सड़ा करके गैसेस जनरेट करते हैं, बायोमास, ये सब जानते हैं आप। एक लड़का जो यूज किया सी बैक इफेक्ट बोलते हैं, अगर एक कंडक्टर के क्रॉस आप टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो EMF जनरेट होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि आप जलाने से पॉल्यूशन हो रहा है, तो क्योंकि अभी ग्लोबल वार्मिंग का टाइम है, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो बड़े डेंजरस होते हैं। सो
कुछ तरीका निकालना होगा जिससे कि जो है ये सारे मतलब पॉल्यूशन को हटाया जा सके। मदद फिनेंशियली अगर लड़का अगर चाहेगा तो, पढ़ने में अगर कुछ दिक्कत है, अगर उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो पर्सनली मैं उसको हेल्प कर सकता हूँ निश्चित ही। और IIIT भागलपुर में इनक्यूबेशन सेंटर है, तो यहाँ पे जो है हम लोग इनकरेज करते हैं स्टार्टअप खोलने के लिए। तो अगर लड़का कुछ करना चाहता है तो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने पे जो है उसका प्रपोजल जो है इवैल्यूएट होगा, और अगर उसको फंडिंग अगर उसके लायक पाया गया, कमिटी ने पाया कि इसको फंड कर सकते हैं, तो फंडिंग भी उसको मिल सकता है। बहरहाल राजा ने इससे पहले बैटरी स्कूटर बनाया था, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण उस पर आगे काम नहीं कर पा रहा है। निष्ठावान लगनशील राजा उम्मीद नहीं हारा है, हर दिन कुछ बेहतर कर रहा है। बस जरूरी है एक बेहतर प्लेटफॉर्म और सरकार की नज़र की। सरकार अगर ध्यान दे तो राजा राम देश के हित में बहुत कुछ बेहतर कर सकता है।